बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। लिसनर्स, आज मैं आपको इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी BA BS की कंपलसरी इंग्लिश की जो बुक है Part 1 की, जिसका कोड है 1423, उसके चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 जो के है आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन, उसका Part 2 मैं आपको करवाऊंगी। ये वही चैप्टर कंटिन्यू है, Part 1 की वीडियो में बना के अपलोड कर चुकी हूँ। लिसनर्स, मैं उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, ताकि आप वहां से उस वीडियो को देख सकें, क्योंकि अगर आप पिछला लेक्चर सुनेंगे तभी आपको इस लेक्चर की ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। तो लिसनर्स, हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ये एक्सरसाइज नंबर 1 है और ये बेसिकली एक शादी का इवेंट है। मिसेस सदीकी हैं, उनके ग्रैंड सन की शादी है, जिसके बारे में वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और वो लड़की के बारे में जानना चाहती हैं और उसके बारे में वो यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगी बहुत सारे और उनके आंसर्स दिए गए हैं। सो लिसनर्स, मिसेस सदीकी हैज जस्ट हर्ड दैट हर ग्रैंड सन इज गोइंग टू गेट मैरिड इन अ फ्यू डेज। मिसेस सदीकी सुनती हैं कि उनका जो ग्रैंड सन है उसकी शादी होने वाली है कुछ दिनों में। शी वॉन्ट्स टू नो ऑल अबाउट द गर्ल, वो लड़की के बारे में सब कुछ जानना चाहती हैं। सो शी आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, तो वो बहुत ज्यादा सवालात पूछती हैं। इन द कॉलम बिलो द क्वेश्चंस एंड आंसर्स आर ऑल मिक्स्ड अप। तो नीचे जो कॉलम दिया गया है स्टूडेंट, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इस कॉलम्स की बात हो रही है, कॉलम 1 में क्वेश्चंस हैं और कॉलम 2 में आंसर्स हैं। देन यहाँ एक्सरसाइज ये है, कैन यू मैच द क्वेश्चंस गिवन इन कॉलम 1 विद द करेक्ट आंसर इन द कॉलम 2। सो लिसनर्स, आपने करना ये है कि कॉलम 1 में दिए गए क्वेश्चंस का आंसर कॉलम 2 में आपने तलाश करना है और अप्रोप्रिएट जो है वो आंसर होना चाहिए। आपने दोनों कॉलम्स को पहले अच्छी तरह पढ़ना है खुद से, जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ताकि आपको पता चले क्वेश्चंस क्या क्या हैं, आंसर्स क्या हैं, देन उसके बाद आपने कॉलम मैचिंग स्टार्ट करनी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हर नेम। हर नेम मीन उनके ग्रैंडसन की जो जिसके साथ शादी हो रही है उस लड़की का नाम क्या है। सबसे पहले वो क्वेश्चन कह रही है, व्हाट इज हर नेम, उसका नाम क्या है। हर नेम इज सलमा, उसका नाम सलमा है। तो यहाँ पे आपने इसको करेक्ट आंसर F है जो कि सलमा है। Where does she live? वो कहाँ रहती है? Here are the answer J. She lives in Peshawar, वो पिशावर में रहती है। How old is she? उसकी उम्र कितनी है, वो कितनी एज की है? 20। सो यू कैन गिव द आंसर, हर एज इज 20 ईयर्स ओल्ड, या शी इज 20 ईयर ओल्ड। हैज शी फिनिश्ड कॉलेज, क्या उसने अपना कॉलेज खत्म कर लिया है? सो एज पे इसका आंसर है यस शी हैज, हाँ वो खत्म कर चुकी है। यस शी हैज, ये लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था लिसनर्स के किस तरह इस टाइप के आंसर्स दिए जाते हैं। व्हाट डज हर फादर डू, उसके फादर क्या करते हैं। बी पे इसका आंसर है क्या है, ही इज एन इंजीनियर। ही मीन उसके जो फादर के लिए ही यूज हुआ है, उसका फादर या उसके वालिद जो हैं क्या हैं, इंजीनियर हैं। Does she have any brothers, क्या उसके भाई हैं? So इसका आंसर जो है yes, 3। Yes, she has 3 brothers। आप इस तरह भी इसका आंसर कर सकते हैं और यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट आंसर लिखा है yes, 3। Is she pretty, क्या वो खूबसूरत है? So students, इसका आंसर जो है वो सी है, आई थिंक शी इज वेरी ब्यूटीफुल, मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, डज शी स्पीक उर्दू, क्या वो उर्दू बोल सकती है, क्या वो उर्दू बोलती है? सो ए इज द करेक्ट आंसर, ऑफ कोर्स शी डज, हाँ वो बोलती है। क्वेश्चन नंबर 9 इज,
what does she look like, wo kaisi dikhti hai. So here is the description. D is the correct answer. She is tall and slender. She has long black hair, large brown eyes and a beautiful smile. वो लंबी है, वो स्मार्ट है, उसके लॉन्ग ब्लैक हेयर हैं, उसकी आंखें बड़ी और ब्राउन हैं, और शी इज हैज अ ब्यूटीफुल स्माइल, और उसकी स्माइल जो है वो बहुत अच्छी है, सो या खूबसूरत है. तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9. विल शी कम एंड लिव इन लंदन? क्या वो लंदन आएगी और यहाँ रहेगी? सो द आंसर इज डी, ऑफ कोर्स शी शैल लिव, शी विल लिव. तो लिसनर्स, ये आपकी एक्सरसाइज थी. यहाँ मैंने जो है लाइंस लगा के आपकी आसानी के लिए, क्योंकि जब अगर आप भूल जाएं तो आप इस वीडियो को दोबारा देखने कर आप करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हम चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ. एक्सरसाइज नंबर 2 है, व्हाट क्वेश्चन विल यू आस्क टू गेट द फॉलोइंग आंसर. सो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आंसर है ये उसी पे बेस करते हैं, ये जो हमने अभी ऊपर एक्सरसाइज की है. व्हाट इज नेम ऑफ द गर्ल? सो व्हाट वाज द नेम? सलमा. अगर पहले आपको ये खुद से करने, अगर आप देखना चाहें तो ये आप ऊपर से क्वेश्चन देख के याद कर सकते हैं. व्हाट इज हर नेम? व्हाट इज हर नेम? सो आंसर्स जो हैं यहाँ आपको दिए गए हैं, तो आप यहाँ लिख सकती हैं, लिखेंगी अपनी नोटबुक पे व्हाट इज हर नेम. सेकंड आंसर क्या है, हमने यहाँ देखा था इन पिशावर, राइट? तो इसका क्वेश्चन यहाँ ऊपर दिया गया है, वेयर डज शी लिव, कि वो कहाँ रहती है. तो स्टूडेंट्स, ये आपकी प्रैक्टिस है, ये आपने खुद से करना है. आप ऊपर से क्वेश्चंस को मेमोराइज करें, याद करें, और फिर यहाँ उनके जो है ना क्वेश्चंस को खुद से लिखें, और आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन फॉर्मुलेट कैसे करते हैं. तो ये यहाँ पे वो तमाम जो आंसर्स ऊपर दिए गए उनके क्वेश्चन की जगह जो है वो खाली है. यहाँ आपने वो क्वेश्चन जो है खुद से लिखने हैं, क्योंकि ऊपर मैंने आपको एक्सरसाइज कम्प्लीट करवा दी है. Our next exercise है जी, in this unit we will look closely at 8 different ways of asking questions in English. इस लेसन में हम कितने मेथड सीखेंगे? 8 मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछने के अंदाज हैं जो इंग्लिश में यूज होते हैं, हम उनको सीखेंगे आगे ग्रेजुअली. फर्स्ट क्वेश्चन टाइप जो है वो है जी, स्टेटमेंट दी होती है शी इज प्रिटी, जो उसको हमने क्वेश्चन बनाना है. तो इस तरह बनेगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है इज, उसको हम क्या ले, कहां ले आएंगे? स्टार्ट में ले आएंगे शी इज प्रिटी, इज शी प्रिटी. सो नाउ यू कैन फॉर्मुलेट द क्वेश्चन कि आप किस तरह सिर्फ एक वर्ड को जो कि स्टेटमेंट में होता है उसको जब आप बाहर लेके आएंगे तो आप उसका क्वेश्चन बना लेंगे. स्टेटमेंट क्या है? शी इज प्रिटी, वो खूबसूरत है. जब आपने उसका क्वेश्चन पूछना है तो क्या करेंगे, इसको आप सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे और आप पूछेंगे इज शी प्रिटी, क्या वो खूबसूरत है. प्लीज नोट दैट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन द सब्जेक्ट शी, शी इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट एंड द वर्ब टू बी. टू बी में ये तमाम आते हैं, एम इज आर was, were, are inverted, change, round, are reserved. क्या होता है ये आपस में जब हम इसे चेंज करते हैं, जैसे इज हमारा यहाँ सब्जेक्ट के बात था तो स्टार्ट में ले आएंगे तो वो क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो जाएगा. ये मेथड है और इस पे बेस करते हुए एक्सरसाइज है. रीड द फॉलोइंग आंसर एंड राइट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन बाय रिवर्सिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर. रिवर्स करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर को, जैसे यहाँ हुआ है इसको हम बाहर ले आए तो रिवर्स कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के बाद जो है ना वो हम आंसर देखने के बाद क्वेश्चन फॉर्मुलेट करेंगे. फॉलो द रूल गिवन अबव इन क्वेश्चन टाइप 1. इस क्वेश्चन टाइप को देखते हुए हम नीचे वाली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. सो द आंसर इज दे आर इंग्लिश.
सो स्टूडेंट्स ऊपर हमने क्या देखा है कि कैसे फॉर्मुलेट किया गया है. शी इज प्रिटी. सो दिस इज द स्टेटमेंट. द आंसर एक्चुअली ओवर हियर इज द स्टेटमेंट. एंड क्वेश्चन आपने फॉर्मुलेट करना है तो आप क्या करेंगे लिसनर्स, आप इस आर को पहले ले आएंगे. आर दे इंग्लिश, आपका यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा, आर को स्टार्ट में ले आए फिर उसके बाद दे लिखें और फिर इंग्लिश ले आए तो क्या हो जाएगा, आर दे इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश है, मीन क्या वो फॉरनर है, जिन्हें हम फॉरनर्स को जैसे अंग्रेज होते हैं उन्हें इंग्लिश में कहते हैं कि वो इंग्लिश बोलते हैं. सो ये क्वेश्चन आप फॉर्मुलेट करेंगे, आर दे इंग्लिश. सो हेयर व्हाट इज द आंसर, अंजुम वाज हेयर, अंजुम यहां था. सो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, वॉज को आप स्टार्ट में ले जाएंगे, वॉज फिर आप अंजुम लगाएंगे, वॉज अंजुम हेयर, क्या अंजुम वहां यहां था. सो अगेन मैं आपको मेथड बता रही हूँ, वॉज को आप स्टार्ट में लिखेंगे और अंजुम को फिर लिखेंगे फिर हेयर लिखेंगे और ये आपको क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो जाएगा. जैसे आपने यहाँ देखा है, इस स्टार्ट में लाई हूँ, लाए गए शी यहाँ आ गई और प्रिटी और आपका क्वेश्चन बन गया. सो उसी तरह आपने लिखना है वॉज अंजुम हेयर. अगेन आंसर इज दे वर एट होम, वो घर पे थे. तो आप क्या करेंगे, वर को स्टार्ट में ले जाएंगे, वर दे एट होम, क्या वो घर पर थे, वर दे एट होम. इट इज एक्चुअली बेसिकली योर क्वेश्चन और उसका आंसर है दे वर एट होम. नेक्स्ट आंसर इज सलमा वाज द बेस्ट स्टूडेंट, सलमा सबसे अच्छी स्टूडेंट थी. तो स्टूडेंट वंस अगेन आप वाज को पहले लिखेंगे, वाज सलमा द बेस्ट स्टूडेंट, क्या सलमा बेस्ट स्टूडेंट थी. सो दिस इज द इजिएस्ट वे टू फॉर्मुलेट द क्वेश्चन, बिकॉज इन आवर डेली रूटीन वी हैव टू आस्क द क्वेश्चन, वी हैव टू इंक्वायर द थिंग. सो आपको स्टूडेंट्स ये आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है. अगर हमने पूछना हो कि अली बेस्ट स्टूडेंट था तो हम पूछ सकते हैं वॉज अली द बेस्ट स्टूडेंट. तो इसी तरह यहाँ दिया गया है वॉज सलीमा द बेस्ट स्टूडेंट. अगेन द आंसर इज आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. सो आप यहाँ इसको क्वेश्चन बना सकते हैं, एम को स्टार्ट में लेके आए फिर आई लिखें फिर फ्रॉम और फिर पाकिस्तान, एम आई फ्रॉम पाकिस्तान, एम आई फ्रॉम पाकिस्तान. सो इसका आंसर है तो उसका हम क्वेश्चन इस तरह बना सकते हैं, एम आई फ्रॉम पाकिस्तान. तो स्टूडेंट्स आपने ये अपनी नोटबुक पर जरूर लिखने हैं, ये प्रैक्टिस होगी तो ताकि आपको फिर जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको आसानी होगी उन्हें वहां पर आंसर करने में. सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिस तरह सेकंड टाइप है जिस तरह के हम और क्वेश्चंस जो है पूछ सकते हैं फॉर्मुलेट कर सकते हैं. तो स्टेटमेंट दी गई है शी हैज फिनिश्ड स्कूल, वो अपना स्कूल खत्म कर चुकी है. हैज शी फिनिश्ड स्कूल, क्या वो अपना स्कूल खत्म कर चुकी है. सो ये आंसर है जो इसके एज अ स्टेटमेंट यहाँ दी गई है और उसको जब हमने क्वेश्चन बनाना है तो इस हैज को हमने स्टार्ट में ले आना है, इस हैज को हमने स्टार्ट में ले आना है. देयर इज अनदर स्टेटमेंट, दे कैन कम टुमारो, वो कल आ सकते हैं. यहाँ पे हम दोबारा क्या करें, कैन को स्टार्ट में लेंगे, कैन दे कम टुमारो, क्या वो कल आ सकते हैं. सो जो कैन है ये भी हेल्पिंग वर्ब है, हैज जो है ये भी हेल्पिंग वर्ब है. ऊपर हमने वॉज और इज को देखा तो यहाँ पर ये चेंज है, लेकिन ये भी हेल्पिंग वर्ब्स है, इनके थ्रू भी हम क्वेश्चंस और आंसर्स जो है वो बनते हैं. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सिमिलर टू टाइप वन, एस से टाइप वन जो हमने ऊपर की है उसके अकॉर्डिंग ही है. द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हैज दे शी एंड दे. सो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, शी दे, एंड द एक्सिलरी एंड हेल्पिंग वर्ब्स हैज एंड कैन. हैज और कैन क्या है, एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स हैं. एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स वो होते हैं जो सेंटेंस को जो वर्ब के साथ आते हैं. बेसिक वर्ब यहाँ क्या है, फिनिश्ड फिनिश्ड, कम कम, दीज आर बेसिक वर्ब्स जो सेंटेंस में है. बट हैज और कैन जो है ये एक्सिलरी वर्ब्स हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं. ये इन वर्ब्स के साथ मिलकर काम करते हैं, मीन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ मिलकर काम करते हैं, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब्स बोला जाता है. हैज और कैन की यहाँ एग्जांपल्स दी गई हैं. ओके लिसनर्स,
सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज नंबर 4 है. फॉर्म क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग आंसर बाय फॉलोइंग द टाइप 2 रूल गिवन बिलो. वो कह रहे हैं आपने क्या करने हैं, क्वेश्चंस बनाने हैं रूल्स को फॉलो करते हुए जो कि टाइप नंबर 2 में हमने सीखे हैं अभी, हैज और कैन वाले. You may notice that there are different auxiliary verbs used, but you can follow the same rules. Different words हैं नीचे, helping verbs, auxiliary verbs, but आपने क्या करना है students? Rule यही follow करना है, change का, reverse का rule, okay? Our first question is, can he take it to the station? Can he take it to the station? क्या वो इसे station ले जा सकता है? So, ये हमारा क्वेश्चन है, लेकिन इसका स्टेटमेंट जिससे फॉर्मुलेट किया गया था वो क्या था? He can take it to the station. वो इसे स्टेशन ले जा सकता है. अगर आपने ये पूछना हो क्या वो इसे स्टेशन ले जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, इस कैन को बाहर ले आएंगे. Can he take it to the station? So in this answer, the helping verb, the auxiliary verb is will. So you will start your question with will she come to Karachi? वो कराची कब आएगी? ठीक है, क्या वो कराची आएगी? Will she come to Karachi? क्या वो कराची आएगी? तो उसका आंसर है she will come to Karachi. So again, she has bought a new car. ने एक नई कार खरीदी है. सो आप क्या करेंगी, हैज को आप स्टार्ट में ले आएंगी, फिर शी आप लिखेंगी, फिर बॉट अ न्यू कार. हैज शी बॉट अ न्यू कार, क्या उसने नई कार खरीदी है या ली है? हैज शी बॉट अ न्यू कार, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा. हैज को आप स्टार्ट में ले जाएंगे. हियर इज दे विल गो फॉर हज दिस ईयर, वो इस साल हज पर जाएंगे. सो आपने क्वेश्चन जब फॉर्मुलेट करना है, विल दे गो टू हज दिस ईयर, विल दे गो टू हज, विल दे गो फॉर हज दिस ईयर, विल दे गो फॉर हज दिस ईयर. सो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा. द आंसर इज अर्जुमन कैन टेल हर, अर्जुमन उसे बता सकता है. आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे, कैन अर्जुमन टेल हर, कैन अर्जुमन टेल हर, क्या अर्जुमन उसे बता सकता है. सो स्टूडेंट्स, ये दो एक्सरसाइज हो गई हैं, दो तरह के क्वेश्चंस कर लिए. अब हम जो है वो तीसरी टाइप की जो है उसकी तरफ आएंगे. स्टूडेंट्स, ये बेस करती है एक्सरसाइज सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस पे. आपको ये एक्सरसाइज आपको तभी समझ आएगी जब आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरह हम क्वेश्चन फॉर्मुलेट करते हैं और किस तरह डज बनता है. अब आप यहाँ देखें, ही लाइक्स कॉफी, वो कॉफी पसंद करता है, लेकिन जब इसका क्वेश्चन बनाना है तो वो क्या है, वो है डज ही लाइक कॉफी. यहाँ लाइक्स है, यहाँ लाइक है, और ये डज कैसे आ गया. ये चीजें सीखने के लिए आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो करना पड़ेगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस की वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ. आप उसका लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. आप जब उसे क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो को देख सकेंगे. स्टूडेंट्स, आप उसे इसके साथ कीजिए. जब आपको वो आ जाएगा, देन आपको इस टाइप के क्वेश्चन बनाने आसान हो जाएंगे. और जब मैं समझाऊंगी तो आपको समझ आ रहा होगा. और ये सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है, He went to Sialkot, वो Sialkot गया. और ये देखें, ये went है, और ये यहाँ पे जो question बना है तो ये did हो गया, और ये यहाँ पे go कैसे आ गया, did he go to Sialkot, क्या वो Sialkot गया. इस सारी चीजों को सीखने के लिए आपको जो है वो past tense जो है, past indefinite या simple past tense आना जरूरी है. Present की मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ स्टूडेंट्स, कल मैं पास की करूंगी, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगी. स्टूडेंट्स, आपको अगर मेरा लेक्चर देने का स्टाइल अच्छा लग रहा है, आपको ये लेसन समझ आ रहे हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और
सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे और उसके साथ दिए गए आइकॉन जो बेल का आइकॉन है उसे प्रेस करेंगे तो आपको मेरे तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और नई वीडियो में जब भी अपलोड करूंगी आपको मिलेगी, ताकि आप अपने लेसन को कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू सो मच लिसनर्स, अल्लाह हाफिज़।